नेत्रहीन लोगों को अपने आसपास होने वाली गतिविधियों का आभास हो और ऑटो सिस्टम की तरह नेत्रहीन व्यक्ति पहले ही सतर्क हो सकेंगे। एनआईटी हमीरपुर के छात्रों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट दृष्टि से अब नेत्रहीन व्यक्तियों को हर वक्त मदद मिलेगी और उनकी जिंदगी में कुछ राहत मिलेगी। एनआईटी हमीरपुर के युवा शोधकर्ताओं के द्वारा नेत्रहीन लोगों की मदद के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट दृष्टि ने IICDC कनक्लेव में फिनाले में जीत दर्ज की है और देश की शीर्ष 60 फाइनल कनक्लेव में स्थान पाया है। प्रोजेक्ट दृष्टि को अब IIM बेंगलुरु में लॉन्च पैड के व्यावसायिक सलाह के लिए भेजा गया है। वहीं देश भर के 18,000 टीमों के द्वारा पंजीकरण किया गया था, जिसमें से 75,000 छात्रों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित करवाई। NIT के छात्रों द्वारा इस उपलब्धि पर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर ललित अवस्थी व प्रोफेसर नवीन चौहान ने बधाई दी और जल्द ही प्रोजेक्ट दृष्टि के नए स्टार्टअप के तौर पर आने की उम्मीद जताई। प्रोजेक्ट दृष्टि से नेत्रहीन लोगों को अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी। आपको बता दें कि IICDC कनक्लेव को हर वर्ष टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट IIM बेंगलुरु द्वारा करवाया जाता है और इसे ICT व भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अपने मॉडल्स को भेजते हैं। वहीं NIT के छात्र उत्कृष्ट ने बताया कि इस ऑटो सिस्टम से नेत्रहीन लोगों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेत्रहीन लोगों को इस उपकरण से उन्हें आगे आने वाली हर चीज का एहसास हो जाएगा। हाल ही में हमने नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक उत्पाद का आविष्कार करा, जिसको हमने दृष्टि नाम दिया है। काफी समय से नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करने के लिए कोई उत्पाद निकाला नहीं गया, तो हमने क्या सोचा कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार की जो क्षमता है, उसको हम एक नेत्रहीन व्यक्ति में लाए ताकि वो बाधाओं में से निकल सके। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT जैसी काफी सारी तकनीक इस्तेमाल हुई है। वहीं छात्र ऋषभ ने बताया कि दृष्टि के लिए NIT हमीरपुर के 5 छात्रों ने इस उपकरण को तैयार करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश भर की टॉप 60 टीमों में आने पर वे अपने प्रोफेसर का आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ ढेकावत है एवं मैं भी दृष्टि का एक शोधकर्ता हूँ। दृष्टि ने हाल ही में IICDC के टॉप 60 विजेताओं में अपना नाम दर्ज कराया है। IICDC जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एवं IIM बेंगलोर द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं भारत सरकार संचालित करते हैं। इसमें शुरू में कुल 18,000 टीम्स ने भाग लिया था, जिसमें से टॉप 60 को विजेता घोषित किया गया। टॉप 60 टीम्स को अब IIM बेंगलोर के NSR सेल में दाखिला दिया जाएगा। मैं अपने टीम मेंबर्स की मेहनत पे उन्हें संबोधित करना चाहूँगा, जो कि सीताराम राठी, ऋषभ वर्मा, नवदीप एवं नुमान हैं। मैं आभारी हूँ डॉक्टर नवीन चौहान का, जिन्होंने शुरू से ही हमें प्रोत्साहित किया तथा शुरू से ही हमारे मार्गदर्शक बने। मैं हमारे NIT हमीरपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे इस अचीवमेंट के बाद हमें संबोधित किया एवं हमें प्रोत्साहित किया। वहीं NIT के सहायक प्रोफेसर नवीन चौहान ने छात्रों को इस उपकरण को तैयार करने में बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा तैयार किए गए उपकरण से नेत्रहीन लोगों को लाभ मिलेगा। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, जिसमें कि ड्यूअल डिग्री के कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इंडिया इनोवेशन चैलेंज डिज़ाइन कंटेस्ट IICDC जिसे कहते हैं, नेशनल लेवल का कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये 2019 का कंटेस्ट था बेसिकली, जो कि डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करता हुआ अल्टीमेटली अभी इसी वीक हमें इसके बारे में जानकारी मिली कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को टॉप 60 प्रोजेक्ट जो भारत में हैं वो उसमें चुना गया है, और जिसमें कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं बेसिकली नाम लेना चाहूँगा, जिसमें उत्कर्ष चौरसिया हैं,
ऋषभ देंकावत हैं, मोहम्मद नुमान हैं, नवदीप सिंह राठौर हैं, सीताराम राठी हैं और ऋषभ वर्मा हैं। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 2019 पे काम शुरू किया था और ये ब्लाइंड पर्सन्स के लिए एक इस तरह की डिज़ाइन की गई है ताकि ब्लाइंड लोग जो हैं उनको ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। सो ये सॉल्यूशन इन्होंने कंपटीशन में रखा और उसके तहत इन्होंने ये कंपटीशन जीता है और अल्टीमेटली IIM बेंगलोर में इसको स्टार्टअप के लिए चुना गया है। तो हमारे सब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को ज्वाइन करेंगे और अल्टीमेटली एक एंड प्रोडक्ट की तरह जो कि कमर्शलाइज हो पाए वो एक मार्केट में लॉन्च किया जाए। अभी जो ये एक डिज़ाइन कंटेस्ट था बेसिकली, और इसमें एक प्रोटोटाइप इन्होंने एक सॉल्यूशन की तरह प्रोवाइड किया है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे जिसमें कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन था और IIM बेंगलोर DST इन लोगों ने एक्नॉलेज किया है और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में उतारा जाएगा। जहाँ तक कि ब्लाइंड लोगों को फ़ायदा देने की बात है तो उसमें इस तरह का फ़ायदा रहेगा कि रास्ते में सपोजिंगली उनको चलना है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर एक डिसीजन ले पाएंगे कि अल्टीमेटली कुछ ऑब्स्टेकल रास्ते में है या नहीं है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके एक कंपनी है, MNC है बेसिकली, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, AICT है और IIM बेंगलोर है जिन्होंने ये कम्बाइंड तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया और हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अल्टीमेटली वो एक अच्छा NIT हमीरपुर के लिए नाम लेके आए और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वही NIT के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने भी छात्रों को उपकरण तैयार करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपकरण के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स तैयार होने से NIT हमीरपुर को लाभ मिलेगा। Congratulations to Team Drishti of the students of NIT Hamirpur, who under the able guidance of Dr. Naveen Chauhan, Associate Professor, Computer Science and Engineering Department, won the India Innovation Challenge Design Contest 2019 edition. The team members are Mr. Utkarsh Chaurasia, Mr. Rishabh, Mr. Mohammad Noman, Mr. Navdeep Singh Rathore, Mr. Sitaram Rathi and Mr. Rishabh Verma. The team developed artificial intelligence based smart wearable product Drishti to help visually impaired persons to navigate obstacles. The contest IICDC is organized by Texas Instruments in collaboration with Department of Science and Technology, All India Council for Technical Education, Indian Institute of Management Bangalore, and there were more than 18,000 teams in this contest. Almost more than 75,000 students participated in this contest and the team brought laurel to NIT Hamirpur. My congratulations, and I wish that this team should develop this product to a stage where it can be marketed, or the students along with their guide can have a startup in the NIT Hamirpur Business Incubation Center, the CM Startup, where we already have some initiatives. So I would like that the product be completed and it will be launched as a new startup by the student. The faculty, student and staff of the institute all are working hard during this tough COVID times, and it is the result of the excellent teaching, learning and research environment at NIT Hamirpur which has led to the success of our student
nationally.